हाय फ्रेंड्स, दिस इज मंगेश चंद, वेलकम्स यू सुवर्णाक्षम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 14 साल पहले की बात है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट मैच थी और 14 साल पहले ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 434 रन निकाले थे। जी हाँ, इसी मैच में रिकी पोंटिंग ने 164 रन निकाले थे और धुआंधार बल्लेबाजी की थी। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था ना, तो उसके पहले कभी किसी ने 434 रन निकाले थे, ना ही किसी ने 50 ओवर में इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था और सभी देखने वाले को यही लग रहा था कि अभी जीत जो है पक्की है ऑस्ट्रेलिया की। लेकिन जी हाँ दोस्तों, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के मन में कुछ और चल रहा था। फर्स्ट इनिंग खत्म होने के बाद जब सेकंड इनिंग शुरू हुई तो वो मैदान पर ऐसे उतरे कि मानो युद्ध पे जा रहे हो, किसी लड़ाई के लिए, रण संग्राम के लिए जा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, शायद उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम में ही तय कर लिया था कि बेटा चल लड़, तुझे जोकना है, जो करना है आज कर दिखाना है, आज तेरी बारी है, कल तेरा दिन नहीं है, आज तेरा दिन है, खेल ले। बस यही सोच रखकर वो मैदान में उतरे होंगे और मैदान में शुरुआत जो की थी स्मिथ ने की थी और उनका साथ दिया था हर्षल गिब्स ने। मानो इतना कमाल किया था, कहर ढा दिया था रनों का और देखने वाले हैरान हो गए। 25 ओवर में 250 रन हुए थे और भारत में जब लोगों को इस बात का पता चला तो दुकानों के सामने भीड़ जम गई। हालांकि ऐसा होता नहीं है किसी और देश की मैच और हम देखते बैठे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस मैच में कुछ कमाल हो गया था। लोग दुकानों के सामने भीड़ कर बैठे थे बस एक मैच देखने के लिए। आखिरी ओवर के आखिरी बॉल तक ये मैच चली, लेकिन जीत जैसे कि लोगों ने सोचा था वैसे बिल्कुल नहीं हुई। हालांकि कोई और टीम होती तो शायद घुटने टेक देती या फिर ऐसा सोचती कि 50 ओवर खेल लेते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जीतने के लिए मैदान में उतरी थी। आखिरी बॉल में उन्होंने जीत हासिल की और ऑस्ट्रेलिया 434 रनों के बावजूद हार गई। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्या दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के मन में डर नहीं रहा होगा? क्या उनको नहीं लगा होगा कि वो हार जाएंगे? बिल्कुल लगा होगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि आज तुझे जो करना है कर ले। ये सोच रखकर वो मैदान में उतरे। वो ये इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने डर को काबू कर लिया था। जी हाँ, डर को काबू कर लिया था। अगर आप अपने डर को काबू कर सकते हो तो बस जीत आप हासिल कर सकते हो। एक कहानी मुझे याद आई, हालांकि उस कहानी का इस किस्से का कुछ संबंध नहीं है ऐसा आपको लगेगा, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूंगा कि हाँ संबंध कैसा है। कहानी एक गांव था और उस गांव में एक मंदिर था। मंदिर में एक पुजारी होता ही है। एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में बहुत भारी बाढ़ आई और उस बाढ़ में लोग बहने लगे थे। लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया था और दूर कहीं चले गए थे, लेकिन पुजारी जो थे वो अड़े रहे उसी घर में रहने के लिए। हालांकि उनको बचाने के लिए एक तैराकी भी आया था, लेकिन पंडित जी ने सोचा था नहीं, मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं भैया यही रहूंगा, और तैराकी वापस चला गया। हालांकि थोड़ी देर बाद उनको बचाने के लिए एक नाव भी आई, लेकिन उनको भी पंडित जी ने कहा कि नहीं, मैं नाव में नहीं आऊंगा, और पंडित जी वही रह गए। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर भी उनको बचाने के लिए आया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यही रहूंगा और जब तक भगवान मुझे नहीं बचाने आते मैं यहां से नहीं जाऊंगा। हुआ ऐसा कि बाढ़ की वजह से बेचारे पंडित जी की मौत हो गई। कहानी और भी आगे थी, ऐसी है कहानी कि वो मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान जी आपने मुझे बचाया नहीं। भगवान कहते हैं कि भाई मैंने तो आपको बचाने के लिए कोशिश तो की थी तीन तीन बार, लेकिन आप ही कुछ और सोच रहे थे। इतनी ही मेरी कोशिश है दोस्तों कि हाल फिलहाल में जो कंडीशन है वो बहुत बुरी चल रही है, देश की, समाज की, हम सभी की, और इस कंडीशन से अगर हमें बचना है, इस समस्या से हमें जूझना है, सामना करना है, तो हमें लड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, हमें भय से लड़ना होगा, अपने डर से लड़ना होगा, अपने डर पर काबू पाना होगा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम जीत सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें इस डर को काबू करने के लिए घर से बाहर निकलना जरूरी है, जी नहीं। ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, ये किसी मैदान पर लड़ने के लिए नहीं है,
This is the battle between the human and the microorganism, which is not seen. जिसको हम देख नहीं सकते उससे हमारा सामना हो रहा है. अगर दुश्मन ऐसा हो जिसको हम देख नहीं सकते तो उसका सामना करने के लिए हमें मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है. हालांकि सरकार हमारे लिए बहुत सारी कोशिशें कर रही है, बहुत सारी चीजों को नियमों को उन्होंने बनाया है, उन चीजों का उन नियमों का हमें उल्लंघन नहीं करना है. अगर यदि है ऐसा हम करते हैं तो शायद हम बच सकते हैं. एक किस्सा, ये कहानी शायद आपको पसंद आई हो. अगर पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. फिर मिलते हैं एक ऐसे ही किस्से कहानियों के साथ. तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया.